जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन आज क्लास 10th में जो कल अपना चैप्टर चल रहा था देव, उसका एक पद अपन ने किया था। शेष पदों का अध्ययन आज हम करने जाते हैं। तो अगले पद में देव एक सखी के माध्यम से लिखते हैं, एक सहेली दूसरी सहेली से ये कह रही है कि कृष्ण प्रेम में मेरी आंखें इस कदर डूब गई है कि अब मैं चाहते हुए भी उस प्रेम से उन्मुक्त नहीं हो सकती, स्वतंत्र नहीं हो सकती। ज्यों ज्यों मैं अपनी आंखों को कृष्ण से दूर हटाने का प्रयास करती हूँ, त्यों त्यों वे आंखें और अधिक गहराई के साथ उसमें डूबती रहती हैं। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है। तो देखिए पद में क्या लिखते हैं देव कि धार में धाय धसी निर्धार हुए है। धार में यानी धारा में, धाय यानी दौड़कर, धसी यानी प्रवेश करना, और निर्धार बिना किसी आधार के। धार में धाय धसी निर्धार हुए कृष्ण के प्रेम में बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के मेरी आंखें उसके प्रेम में जाकर के डूब जाती है। जाय फसी उकसी न अबेरी, एक बार जाकर के उनके प्रेम में ये आंखें जो फंस गई तो उसके बाद उकसी यानी निकली, उबेरी यानी निकाले जाने पर, प्रयास करने पर भी आंखें उससे दूर नहीं होती। तो क्या लिखा है में कि धार में धाय धसी निर्धार हुए है कृष्ण की प्रेम रूपी धारा में मेरी आंखें के जाकर के बिना किसी आधार के, बिना किसी कारण के उसकी आंखों में प्रवेश कर गई, और जाय फंसी जाकर के फंस गई है उसमें प्रवेश कर गई। उकसी ना मेरी, निकाले जाने पर भी वे निकलती नहीं है, और जो जो निकालने का प्रयत्न करती हूँ क्यों क्यों क्या होता कि री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फेरी ओ गिरी न गिरी। री अंगराय गिरी गहरी, अंगराय कहते हैं अंगड़ाई लेकर के, गई यानी पकड़ने पर, फेरे यानी लौटाने पर, अंगड़ाई लेने करके वे आंखें और अधिक गहराई के साथ उसमें प्रवेश करती रहती है और उसमें अधिक जाती रहती है। बार बार प्रयास करती हूँ उसे निकालने का, लेकिन वे निकलने के स्थान पर अंगड़ाई लेकर और भीतर तक और अधिक गहराई तक प्रवेश करती रहती है। देव कुछ अपनों बसना, देव कह रहा है सखी के माध्यम से, गोपी के माध्यम से, गोपी कह रही है कि अपनों कुछ बसना, मेरा अपनी आंखों पर कोई बस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, हमारी आंखों का हमारे ऊपर नियंत्रण रहता है, हम जिस वस्तु को देखना चाहे उसको देख सकते हैं और जिसको ना देखना चाहे उसको ना देख सकते हैं। लेकिन यह स्थितियां विपरीत है, यहाँ एक बार गोपी के रूप मैंने कृष्ण को देख लिया तो अब मैं चाहते हुए भी उस आंखों से बाहर नहीं आ सकती, उन कृष्ण के मुंह से बाहर नहीं हो सकती। और कारण क्या है, देव कुछ अपनों बसना रस लालच लाल चिते बई चेरी। रस लालच आनंद में, रस में रस कहते हैं आनंद को, उस आनंद को, उस कृष्ण छवि के आनंद को पाने के लिए, चिते बई चेरी, चिते यानी देख करके, चेरी यानी दासी, उस कृष्ण के आनंद को देखने के लिए मेरी आंखें ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कृष्ण की दासी हो गई। दासी कौन होता है, जिसको मालिक जो आदेश देता है वो कार्य करता है। तो कृष्ण मेरी आंखों को जो आदेश दे रहे हैं वो भी आंखें कार्य करिए, मेरे नियंत्रण में तो ये है नहीं। और अंतिम पंक्ति में क्या कहती है कि बैगी बूढ़ी गई पंखिया अखियां, बैगी जल्दी ही, बैगी यानी जल्दी ही, बूढ़ी गई यानी डूब गई, पंखिया अखी आंख रूपी पंखुड़िया, आंख रूपी पंख, बैगी ही बूढ़ी गई, बहुत जल्दी ही डूब गई मेरी आंखें रूपी पंख, किसमें, मधु की मक्खियां भई मेरी। जिस प्रकार शहद की ऊपर यदि एक बार मक्खी बैठ जाती है तो उसके पंखों पर शहद लग जाने के कारण वो चाह करके भी उड़ नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार उन मधुमक्खियों की भांति भी मेरी अवस्था हो गई है जो कृष्ण रूपी शहद पर बैठने के पश्चात वहां से उड़ नहीं पा रही है, वहां से दूर हट नहीं पा रही है। इसमें आपने देखा धार में धाय धसी, ये ध वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको इस पूरे पद में कई ऐसी पंक्तियाँ मिलेगी, आप ढूंढ करना उसमें कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी एक ही वर्ण की, एक ही अक्षर की बार बार दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही है वहाँ आपके अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम पद की ओर।
अंतिम पद में देव दो रसों का मिश्रण किया है। संयोग की दो अवस्थाएं होती है, आगे जब क्लासों में आप जाओगे तो रस के संबंध में पढ़ोगे। एक रस होता है संयोग श्रृंगार, श्रृंगार रस होता है, उसकी दो अवस्थाएं होती है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका परस्पर एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उनके मध्य प्रेम उत्पन्न होता है, और वियोग श्रृंगार में एक दूसरे से बिछड़े हुए रहते हैं और पाने के लिए उनकी आंखों में आंसू आते हैं, वे विरह से पीड़ित रहते हैं। आपको देख के इस छंद में ये दोनों ही रस एक साथ देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखते हैं देव, देव लिखते हैं कि जरहरी चीन बूंद बूंद परती मान, जहरी महीन महीन, रिम जिम जिसे अपन कहते हैं, जीनी यानी छोटी छोटी बूंद परती मान, ऐसा लग रहा है रिम जिम वर्षा हो रही है। गहरी गहरी घटा गेरी है गगन में, गहरी गहरी काली काली गहरी गहरी घटाएं आकाश में उमड़ रही है और आकाश से हिमजिम वर्षा हो रही है। आनंद कयो श्याम मूस, ऐसे वातावरण में, कैसे वातावरण में, जब चारों ओर वर्षा के घनघोर बादल, काले काले बादल छाए हुए हैं, रिमझिम वर्षा हो रही है। आनंद कयो श्याम मूस, ऐसे में कृष्ण ने मुझे आने के लिए कहा, कहाँ आने के लिए, चलो झूली हुए को आज, चलो आज अपन झूला झूलने के लिए चलते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सहेली से कह रही है कि जहरी जहरी जीनी बूंद बरती मांगो, रिमझिम मांगो वर्षा हो रही है, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में, काली काली गहरी गहरी घटाएं गगन में गिरी हुई है। आनंद करो श्याम मोसो, श्याम ने मुझे आने के लिए कहा, चलो झूली हुई को आज, आज अपन झूला झूलने के लिए चलते हैं। कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर के सखी कहती कि भूली ना समाई, अत्यधिक प्रसन्न होना, भूली ना समाना अत्यधिक प्रसन्न होना, भूली ना समाई भाई ऐसी हो मगन मैं तो इतनी आनंदित हो गई, मगन होना आनंदित होगा कि मैं भूली नहीं समा रही थी। कृष्ण के इस निमंत्रण को सुनकर के इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं भूली नहीं समा रही थी। चाहती उठियो उड़ी गई सो निभोरी नींद, अब ये सारी बातें सपने में हो रही थी, कहाँ हो रही थी, नींद में, सपने में हो रही थी। चाहती उठियो, अब मैं झूला झूलने के लिए उठी, चाहती थी कि मैं उठ करके जाऊं और झूला झूलूं। चाहती उठियो उड़ी गई सो निभोरी नींद, जैसे उठी मेरी नींद भी जागृत हो गई। सब ये सारी बातें कहाँ हो रही थी, ख्यालों में हो रही थी, सपनों में हो रही थी, ख्वाबों में हो रही थी। अब सखी उन ख्वाबों की बातों का यकीन करके जैसे ही झूला झूलने के लिए उठी तो खुद तो उठी, उसके साथ उसकी नींद भी क्या हो गई, जागृत हो गई। चाहत उठियो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और सो गए भाग मेरे जागी वाह जगन में, सो गए भाग मेरे वाह जागी जगन में, मैं तो उठ गई लेकिन मेरे भाग सो गए, सो गए भाग, मेरा सौभाग्य था वो अभाग्य में परिवर्तित हो गया। क्या सौभाग्य था कि नींद में तो मुझे कृष्ण के साथ झूला झूलने का निमंत्रण मिल रहा था, आंखें खुली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सो गए भाग मेरे जागी भाग जगन में। आंख खोली देखी तो, आंख खोल के देखा तो घन है न घनश्याम, न तो कोई बादल है और न ही भगवान श्री कृष्ण, घन यानी बादल, वर्षा के बादल सपने में देख रही थी, न तो ऐसे कोई बादल है और न घनश्याम और न ही कृष्ण है, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू है जगन में, और वर्षा के स्थान पर मेरी आंखों से गिरने वाली आंसू धारा है, आंसू की बूंदे है। तो देखिए पूर्व का पद तो था अंतिम, ऊपर की जो पंक्तियां थी वो तो क्या थी, संयोग श्रृंगार की, यानी कि कृष्ण और ये दोनों आपस में सपने में बातचीत कर रहे, लेकिन दूसरे ही अंतिम जो तीन चार पंक्तियां उसमें क्या हो गया था, बिल्कुल विकृत हो गया था। तो संयोग की दोनों ही अवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही। तो ये पाठ आपके यहीं पर समाप्त होता है, इसके प्रश्नोत्तर कल देखेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।